या कह सको कि विजेंद्र जी मजबूत दावेदार हैं और वो बढ़ भी सकते हैं एमपी। देखो यह बिल्कुल सही बात है, मोदी जी आने के बाद में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ी है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन होगी। अब भ्रष्टाचार का मामला तो बिल्कुल ही मानो कि खत्म है। राम राम जी, नमस्कार जी, आपको एक बार फिर से स्वागत है खबर से खबर, ठीक है, एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सब लोग ने पता है कि अपना एक प्रोग्राम चल रहा है ग्राम पंचायत किसके साथ, तो अभी आप मौजूद हैं ग्राम पंचायत बाजला में और बाजला का जो सरपंच साहब है वो अपने साथ में मौजूद है। आज आप जानेगा कि जब ये सरपंच बना है तो ग्राम पंचायत में मोटे तौर पर के समस्या देखी और बात समस्या में से आपका द्वारा के समाधान करे गए है। दूसरी चीज, आज के टाइम में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं बी के बारे में भी आप कुछ बातचीत करेंगे आज से। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सरपंच साहब? मेरा नाम कैप्टन राम कुमार सिंह। तो सरपंच साहब, जो मैं अभी जनता से बता रहे हो कि ग्राम पंचायत में जब सरपंच बना है तो के विकास कार्य की मतलब समस्या ही जो विकास कार्य थारा द्वारा अब करवाया गया है थारा कार्यकाल में। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब हम सरपंच बने थे उस टाइम आपने उरे कोरोना महामारी को बहुत ज्यादा प्रकोप फैल रहे हो, भी महामारियों बचने के लिए मैं मतलब मेरे तौर पर भी बीसीएमओ हूँ, सीएमएचओ हूँ, सब भी बात करके मारे उरे जो केंद्र है इनके ऊपर ज्यादा ज्यादा टिक्का मंगाया और कोई भी यहाँ को केस को नहीं जको कि मतलब मारे कोरोना खत्म हो जटे, मतलब मारे 200 आना बैठे में 500 टिक्का मंगवाया और हर आदमी का टिक्का लगा। यही नहीं, हमारी पंचायत के अलावा भी कोई दूर की पंचायतों का लोग भी आया, जो राजगढ़ है, मंडरेला है, बिसाऊ, मलसीसर, अहिया का लोग भी आया, बांके में टिक्का लगाया। कहने मतलब खाली कौन जान दियो, जो भी आदमी आयो मान हर की मतलब पूर्ति करी और टिक्का ज्यादा ज्यादा करवाया। बी के बाद में जब कोरोना हट्यो तो उस टाइम में मारे सबसे बड़ी समस्या यह है कि 4-6 जगह और गाँव में पानी की समस्या आई। सब पहले तो ये बार दूर दराज में ढाणी ही मारे उरे आथुनी ढाणी है, बुढ़ानिया की ढाणी है, बेकमा पूरी 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन ही बाह गिरवाई। फिर भी के बाद में खिचड़ा को बास है, खिचड़ा के बास में पूरे बास में मतलब पाइपलाइन गिरवाई। फिर फ्रांस के बास है, फ्रांस के बास में पूरी पाइपलाइन गिरवाई क्योंकि पानी की समस्या ही। और इसके अलावा हमारे एक गाँव ऊंथपुर है, भी ऊंथपुर गमा भी दो वार्ड है, वार्ड नंबर 4 और 5 दोनों वार्ड में भी पूरी पाइपलाइन गिरवाई। इनके अलावा जो गांव में ढाणी ढूंढी बसनी बा में भी गिरवाई। फिर कई जगह उरे कचरो और कीचड़ को पानी निकल तो वो भी बंद करवायो और ज्यादा ज्यादा सोखता गड्ढा बनवाया, मतलब कुई बनवाई गांव में, बाजला में बनवाई, फ्रांस का बास में बनवाई, खिचड़ा का बास में बनवाई, उन्होंने बनवाई, तो हरेक जगह यो करो। इनके अलावा मारे मतलब 3-4 जगह आया कि जहाँ मतलब फिराज को पास एक शमशान भूमि, इस शमशान भूमि का मैं मतलब रास्ते जानना हो तो भी जानना रास्ते मतलब कच्चो दुख पाता है, ठीक है, तो मैं बैठी पूरा वो इंटरलॉक सड़क जुड़वाई। इनके अलावा फिराज के पास में एक मेघवाल मोहल्ला का मां कुछ घर है, वहां में पानी पात भरते ज्यादा किचड़ हो तो भी का मां पूरा इंटरलॉक गिरवायो। एक फिराज के पास में ही मेन सड़क को लेके और इस्लाम खां को घर है भी साइड में रास्ते की प्रॉब्लम ही, भी मैं मतलब इंटरलॉक सड़क जुड़वाई। बी के अलावा बाजला मारे मेघवाल मोहल्ले के माँ पानी की भी निकासी को प्रॉब्लम ही और जाने को रास्ता भी कोई नहीं हो, कच्चो रास्ता तो भी मैं पानी की निकासी के साथ साथ नाली और इंटरलॉक जुड़वाया। फिर मारे उरे बस स्टैंड से लेके और राजपूत एक सामुदायिक भवन है बढ़े तक भी मैं इंटरलॉक सड़क जुड़वाई। इनके अलावा अनूतपुरा में एक जगह संत कुमार शर्मा घर से लेके रघुवीर मीणा के घर तक बैठे भी जान की समस्या है, ऊपर पानी निकल तो बी के साथ में भी इंटरलॉक सड़क बनवाई, साथ में थोड़ी नाली को भी बंदोबस्त करवाए। इनके अलावा हमारे ऊंथपुरा में भी जो बस स्टैंड से लेके पिपलगे बास का रास्ता जा रहा है भी रास्ते के माँ आन जाने में बहुत समस्या है और एक जगह बहुत बड़ो खड्डो हो भी खड्डे के माँ मतलब हमेशा कोई न कोई एक्सीडेंट का यहाँ का चांस है, तो भी खड्डे की सेफ्टी दीवार बनवाई और बा ग्रेवल रोड बनवाई, बाद में बा रोड पक्की होगी जो कि पिपल के पास जा उत्परा से बा करवाई। और एक अलावा हमारे स्कूल में बड़ी समस्या ही छात्रों को भी अध्यापकों को भी, क्योंकि वहां पर वो शौचालय नहीं था ठीक से, तो बच्चों को छात्राओं को इनको अलग अलग मुसीबत हो रही थी, तो मैंने एक सामुदायिक शौचालय वहां बनवाया। भी सामुदायिक शौचालय में छात्रों को अलग है और छात्राओं को अलग है, तो वो एक बीजा करवायो। फिर स्कूल में ही बाजला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
में पानी की समस्या थी, तो वह पानी की समस्या दूर करने खातर मैं एक टंकी बनवाई। तो पानी की टंकी के बाद में बच्चों जो हमारे अपने पोषाहार ले हैं और खाना वाना आनते हैं, ये खाने के लिए तो बाहर नहीं बैठ के बच्चा यहाँ खाया करता, जगह को नहीं, तो भी मैं एक टिन सेट को निर्माण भी करवाया। एक अलावा और भी काम करवाया, जहाँ आपने बाजला में एक सामुदायिक शौचालय उसको अलग से बनवाया, फिर ग्राम पंचायत की भवन की हालत खराब है तो वो पूरी मतलब दोबारा मरम्मत तोड़ फोड़ के बिल्कुल बढ़िया बिन सही करी, और कुछ जगह माले पानी की भी दो तीन जगह समस्या आई तो मोटर पंप नई डिलीवरी मोटर पंप गिरवाया। एक अलावा हमारे अथुनी ढाणी में भी एक बार मोटर पंप खराब आया, वह भी दूर कराया, और काफी मतलब बहुत सी ऐसी चीज है वो करी। फिलहाल भी कई जगह में काम शुरू कर रखो है, तो यही चलते रह रहा। मैक्सिमम बिजली तो खैर हमारे इसमें नहीं है, फिर भी मैंने बिजली में भी कई जगह कुछ कुछ पोल पाल खराब थे वो ठीक करवाया, कहीं कहीं किसी के हेल्प भी करी, भाई कोई को कनेक्शन करवाना है और करवाना है वहां में भी मदद करी, और पानी की भी मतलब हरेक जगह जटे तक या होगी कोशिश की भाई पाइपलाइन डालनी है या कोई टंकी खराब है तो वो काम भी करियो। और स्कूल में भी काफी मतलब समस्या ही स्कूल में जाके भाभी देखी, टीचरों में मैं मिलता रही हूँ, मन पूछते रही हूँ हमेशा कि कोई क्या को प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा करके कोई एक टीचर को नहीं हो भी टाइम भी मैं जाए खुद देखो, मैं खुद भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी हो। और मेरी पंचायत का मां पौधा लगवाया, रुपा पौधा की बहुत बड़ी अच्छी देखभाल करी कि बहुत आज थे देखोगा कि भी पंचायत में पौधा इतना है कि थाना शायद ही खड़े इतना नजर आए, इतना ज्यादा मतलब पौधा भी करवाया और वो पौधा आज बहुत अच्छी हालत में है, और वर्तमान में भी काम चल रहे हैं एक दो जगह में, मतलब ये सीसी सड़क नाली इनका काम कर रहा हूँ, और मैक्सिमम ऐसे जो भी पंचायत के काम है तो करता रहा हूँ। तो अभी जो आप सरपंच से विकास कार्य से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जब ये सरपंच बने हा तो के समस्या ही और बाको के समाधान करे गए है, तो आके कहने के मुताबिक बहुत सा ऐसा विकास कार्य जगह रुके रहा बा विकास कार्य ये करवाया है, जहां आप सड़का के निर्माण की बात करें तो सड़का का निर्माण कार्य भी हुआ है, साथ ही अगर कटे गंदो पानी इकट्ठे हो रहे हो तो बीकी निकासी के लिए भी आके द्वारा व्यवस्था करी गई है, सोखता गड्ढा बनाया गया है, साथ ही स्कूल के अंदर भी पेड़ पौधा को विकास कार्य अच्छे करे गए ताकि वातावरण अच्छे बने रहे, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी आपके द्वारा विकास कार्य करे गए है। दूसरी चीज सरपंच साहब एक मन था निजी सवाल एक सवाल पूछना हो कि तेज सरपंच पहली बार बने हो? हाँ, पहली बार बने हो, इससे पहले भी कोई चुनाव वगैरह लड़े हो के? ना मैं कौन लड़े हो? इससे पहले कौन लड़े हो? तो एक सरपंच साहब एक चीज बताओ, मतलब राजनीति में आने को के कारण हो कि के चीज के लिए थे देख के कि आपा भी चुनाव लड़ा, क्यों मन में आई यह चीज? भाई राजनीति में आने को कारण तो यही हो कि मैं तो पहले सर्विस कराया करता हूँ। अच्छा। और कुछ लोग गांव का भी मन यह कह दे कि साहब दौड़ो पढ़ा लिखा हो थोड़ा ठीक है अच्छा कोई विकास हो जाए और लोग मतलब मन में सपोर्ट कर दियो, तो मैं बाकी बात कौन गेरी कि ठीक है भाई चलो दौड़ जाए। तो सरपंच बन के किसोक लाग रहे थे? ठीक है अच्छा है सरपंच बने, देखो समस्या भी आवे है मुश्किल भी आती है छोटी मोटी बातें भी हुए है, पर कुल मिला के एक मन संतुष्टि महसूस हुए कि मैं लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं। थाने एक उदाहरण बताऊं मैं कि हमारे गांव पूरे फ्रांस का वास है, बिकमा एक गरीब हरिजन के जो अग्निकांड सो गए आग लग गई, तीन चार नाम बता सको अगर थे नाम? हाँ हाँ बिल्कुल, उसका इमरता नाम था महेंद्र नाम था, तो उनके होली वाले दिन कोई आग लग गई, पता नहीं कोई पट्टा को पट्टो को लगे कहीं अकेला गया, तो वहां बेचारा बहुत ज्यादा वो नुकसान हो, घर घर भी कुछ बढ़ गया, चार पांच मवेशी बढ़ गया और बड़ी मुश्किल ही होली के दिन थाने वेरा कोई कौन सुने। हाँ, बड़ी मुश्किलों में मैं गयो जाके वहां की देखी हालत, देखी तो बहुत बुरी हालत थी कि मवेशी जड़ा पड़े बुरी हालत में, आदमी वह भी मतलब परेशान है क्योंकि धन को नुकसान हो गया। तो बा में जाके जमाजी करो, फिर वन पोस्टमार्टम रिपोर्ट खातर बुलाया पूरे कोई पुलिस वालों कौन सुनो सीधो जयपुर बात करी, जयपुर एसपीओ में बात करी, डीजीओ में बात करी, वहां करके फिर उरे पुलिस वाला ने भी बुलाया, बाकी रिपोर्ट लिखी गई, बाकी एफआईआर भी हुई और पोस्टमार्टम भी हो। तो वो काम मैं करवाया, कुछ एक अया का आदमी भी हा जका का कई काम रुक रहा, जै कोई पेंशन को नहीं वो भी करवाया, कुछ एक कोई बिजली का कनेक्शन को नहीं हो रहा
वह भी कह के आगे जा जाके वहां साथ में जाके करवा। मतलब ताने समाज सेवा करने में अच्छे लाग रहे है, ठीक है, लोगों की सेवा कर रहे हो, दिन रात भाग रहे हो। अच्छा एक चीज और मान जाननी है कि सरपंच बनने के बाद में थाने थारे जीवन में एक ऐसी शिक्षा बताओ जो कि थाने बहुत अच्छी शिक्षा मिली है सरपंच बनने के बाद में। क्या सीखे थे सरपंच बन के? सरपंच बनने के बाद में तो यही सीखो कि गांव में मतलब आपस में कया भाईचारा रहना चाहिए, कया के मतलब व्यवहार रखना चाहिए और कौन आदमी कया को है बिको आपस में पतो लागे, नहीं तो क्या सर्विस में रिया नहीं तो ध्यान ही को नहीं हो। तो अब सब बड़ी बात यह है कि यहाँ बेरो फटे की आदमी की साकी के नेचर है के चावे है कया कया के दिल की बात है, तो वह एक बड़ी चीज समझने मिली। अच्छा तो सरपंच साहब जो है पंचायत का थे मुखिया हो, ठीक है, और पंचायत के अंदर यह भी हुआ है कि 15 अगर चाहने वाला है तो 5 नहीं चाहने वाला भी हुआ है, ठीक है, तो आया का लोगों से भी थारो सामने हुए कि कदे? बिल्कुल हुए है, वो तो है 2-4 बार में कोई काम को मैं बेकमा भी हुए है, लेकिन एक यही बात है मेरी। और मैं थाने एक और बात बता दूं विशेष करके, जय हमारे सरपंच हुए हैं पार्टी बाजी भी हुआ है आपस में मतलब बिगड़ भी जाए दुश्मनी भी हो जाए, लेकिन मेरी यह एक भगवान की दया अच्छी मानो कि मेरे टाइम में मेरे साथ में कोई की मतलब केस मुकदमा को नहीं है, कोई को लड़ाई झगड़े को नहीं हो, जरूर बात का मां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए थोड़ी बहुत हुआ है वो तो थान पता है, लेकिन यो एक रिकॉर्ड है कि मेरे टाइम में मैं कोई कसा के लड़ाई नहीं करी और कोई मेरे साथ में लड़ाई को नहीं करी और एक भी केस मुकदमा मेरी पंचायत को नहीं है इंच में, और मैं कदे भी कोई आगे होके केस मुकदमा भी को नहीं करवाया, कोई एक दो हो भी गया है केस तो मैं जाके बंद थाने से वापिस ले आयो, धंधुरी थानों से भी लाए हूँ, मलसीसर थानों भी लाए हूँ, क्योंकि पहली मारे मलसीसर थानों अब धंधुरी थानों हो गयो। तो यहाँ के सिर्फ भाई भाई आपस में लड़ा जका मतलब कई दिन से ये चाल रहा है कि आपस में बोल चाल भी को नहीं रहे, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन रहा, बांध लोगों का भी कोई जमीन ही बैठी करवाई, बांका नाम करवाया और बांध एक साथ बैठ के एक थाली में खाना खुआया और मन सन बहुत बहुत राजी है, जो कि आज यह मान रहे हैं कि वास्तव में थे बहुत बढ़िया काम करियो, मारे लिए तो भगवान ही हो कि मैं नहीं कोई कोई मारा आदमी मिनख मरतो पर थे आगे वो चीज करियो बहुत बढ़िया करी। तो ऐसा केस मुकदमा सलटा है। तो सरपंच साहब से अभी मिला, बाकी कॉफी आ गई है, एक ब्रेक लेवांगा आप बीच के अंदर कॉफी पीवांगा। सरपंच साहब अभी एक चीज बताई कि प्यार मोहब्बत से ना हर चीज खत्म करी जा सके है, प्यार मोहब्बत से बहुत से परिवार भी मिलवाया है, ठीक है, और आज भी राजी खुशी आपका परिवार के साथ में खानो बैठ के भी खा रहा है, जो केस मुकदमा है बाकी बारे में भी ये पूरी पंचायत में एकदम एक्टिव रहा है और बात चीजा को सोल्यूशन भी आकर द्वारा करो जावा है। तो अब आप फिर मिला एक बार कॉफी पी के। तो सरपंच साहब जो है आप भी कॉफी से पहले बातचीत करी है, ठीक है, कि अपने पंचायत के अंदर के विकास कार्य हुआ है, फिर के थार द्वारा विकास कार्य करवाया गया है, मोटे तौर पर जो समस्या जितनी थी बाको लगभग समाधान कर रहा है और बाकी थारो जो 1-1.5 साल को कार्यकाल रहे है अभी मैं थे पूरा प्रयास करूंगा कि और भी विकास कार्य हो। अब आगे एक चीज जाननी है मन की, एक तो राजनीति में आके आप एक ही जगह स्टॉप हो जाए, ठीक है, कि मन सरपंच को चुनाव लड़नो है, आगे चुनाव लड़नो भी कोनी, मैं एक बार ही सेवा दी है, ठीक है, चाहे शुरू से समाज सेवा में या देश की सेवा में रहा हो, तो अब थारो के विचार है आगे राजनीति में लेके? देखो राजनीति में लेके तो यही है, जय हमारे पंचायत मन आशीर्वाद दियो है आ लोगा सरपंच बनायो, तो आगे भी यही है कि ये लोगों को अगर प्यार आशीर्वाद बने रही हो और सीट अगर आई लॉटरी सिस्टम चल रहा था ना पता हो रहा है, जो भी पंचायत राज हो चाहे क्या को भी हो, तो अगर जनता चाहेगी जनता को प्यार और आशीर्वाद सने मिलग और अगर लॉटरी निकले तो आगे भी मैं सेवा करने को इच्छुक हूँ, बिल्कुल करूंगा और जनता के ऊपर है या तो जनता चाहेगी अगर मौको देगी तो जरूर करूंगा। तो एक सरपंच साहब यह हुआ कि आप एक सरपंच तक ही सीमित रह जाओ कि सरपंच को चुनाव में लड़ूंगा, ठीक है, बाकी आप अगर अपना लोकल क्षेत्र की बात करें तो MLA का चुनाव भी हो गया, साथ ही प्रधान का चुनाव भी हो गया, तो भैया को चुनाव की कोई मंशा है कि थरी? बिल्कुल, अगर मैं कोई भी पार्टी, वैसे तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती सरपंच में, तो फिर भी अगर कोई पार्टी ये चाहे तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा और अपना ब्लॉक या जिला परिषद का सदस्य का कुछ चुनाव होगा तो वो भी मैं लड़ने का इच्छुक हूँ। तो सरपंच जी ने बताई कि अभी जो सरपंच बन रहा है फिलहाल आन काम करके भी अच्छो लाग रहे क्योंकि समाज सेवा का काम आन अच्छो भारियो है। दूसरी चीज आपको कहना है कि अगर जनता चाहिए ई पंचायत की तो ये दोबारा सरपंच बनने के लिए भी तैयार है क्योंकि आन समाज सेवा करने में पूरा अच्छो लाग रहे है। दूसरी चीज अगर कोई भी MP MLA या फिर आप पंचायत समिति की बात करें प्रधान की तो वो चुनाव भी लड़ने के लिए रेडी है, बाकी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा जनता तक है आपकी जो सेवा कार्य है वो पहुंचा सके। बाकी सरपंच जी आप अगर आज के टाइम ने देखा
आज की राजनीति और आज से 10-12 साल पहले की राजनीति में कोई फर्क आया है? बहुत फर्क आया है। आजकल जो राजनीति है ना, वो राजनीति थोड़ी दूषित होगी, क्यों कि जो भी जनता भी है वो ज्यादा जागरूक होगी और राजनेता है वह भी मतलब थोड़ा सा किया है कि ज्यादा कुछ स्वार्थपन हो, लालची नया को भी काम हो रहा है। तो 10-15 साल या जो पुराना राजनेता है वह मतलब स्वार्थ भाव को न रखता है, वह पक्का जनता की सेवा के लिए है और कोई लालच और बेईमानी मांगन को नहीं। लेकिन आजकल की राजनीति में जरूर जरूर कुछ न कुछ प्रदूषण फैल गया। अच्छा, तो जयते बता रहे हो कि आज की राजनीति दूषित होगी, ठीक है। अगर आप बात करा जो केंद्र में सरकार बैठी है, ठीक है, मुखिया की अगर बात करा आप, तो बाकू तो बोलना है कि जो आज की राजनीति है वह ट्रांसपेरेंट होगी बिल्कुल, ठीक है, सामने से दिखाई देने लगी हर चीज। तो बी चीज में और ये चीज में क्या फर्क है? देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो वास्तव में बहुत बढ़िया हैं, क्यों कि बया का आदि मिले नहीं, या तो शायद कोई योग पुरुष ही आया है या भगवान ने कोई अवतार दे के भेजा है। तो मैं मानू कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और वह जो बता रहे हैं और जो कर रहे हैं वह सारी बात है। या आप सुनना वहां की मोदी है तो मुमकिन है, तो वह मुमकिन करके दिखायो, क्यों मैं सेना से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मैं जब सर्विस कर रहा था तो मोदी जी ने स्ट्राइक करवाई थी, और पहले यह था कि कभी भी फौज को कमी नहीं मिलता था, पर मोदी जी आने के बाद में भैया कहती ही कि जो भी है एक बार या तो पहले करो मत करो, तो फिर गोली गिनो मत। अच्छा अच्छा, तो बा मतलब यो मौको दियो और भी चीज करो तो आपने हिंदुस्तान की फौज बा करके दिखायो। और अभी भी सैन्य दुश्मन पे पहले जगह आपने पर चढ़ाया था, कद सियाचिन पर आ जाता, कद चीन आ जाता, कद पाकिस्तान, कद कोई चाहे जो अपने आंख दिखानी शुरू कर दे। तो पर आज बा बात को नहीं, मोदी जी आए हैं तो देश में अपनी सेना सुदृढ़ हुई है और देश को ढांचो भी अच्छा, अब वर्ल्ड का में भी मोदी जी को नाम है। तो मोदी जी जैसे अगर सारे राजनेता हो जाए तो अपने देश में कोई कमी नहीं है, अपने देश के बराबर कोई देश नहीं है दुनिया में, इससे बढ़ के कोई देश नहीं, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, इटली हो, चाहे ईरान हो, कोई भी हिंदुस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, है? जो इसकी शरण में आ गया उसका बेड़ा पार है। अच्छा, तो सरपंच जी ने बताया कि जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, बाकी नीतियां अच्छी है और वह अच्छाई के लिए ही काम कर रहा है। तो एक चीज मान जाननी है तार से कि अभी जो किसान आंदोलन को मुद्दों उठ रहे हैं, ठीक है, पीछे के कारण है फिर सरकार की कुछ कमियां है या फिर किसाना की कमी है? देखो, थोड़ी बहुत तो सरकार के सारी जल्दी से काम को नहीं हुआ, लेकिन वह किसान जो बैठे है वह वास्तव में ही जो किसान गरीब तबके का वह किसान को नहीं, वह किसान अमीर किसान ही, और बाकी सारी सुविधाएं हैं, बैठे जाके वह सारा काम ये कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई बात तकलीफ को नहीं, वह तो सिर्फ एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैठे हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो असली किसान है बस देखो बेचारा गरीबी मान जान फुर्सती को नहीं, घड़े तक पहुंचेगा वह पहुंचेगा तो वह धोने रुक कौन सुने मांग दे डुमाओ थाली बात है कौन नहीं वह के कर लेगा। तो यह सब राजनीति है और राजनीति का मां आपस में भिड़ाने की बात ही पार्टीबाजी को सवाल है। एक्चुअल में जो है ना समस्या बाकी को नहीं है, समस्या छोटे किसान की सुन रहे कौन, वह तो सब एक आपकी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। तो आपने ही राजस्थान में कोई किसान आंदोलन को फर्क पड़े है कि? राजस्थान में कोई खास विशेष फर्क कौन पड़े, कोई भारी विशेष फर्क कौन है? तो जय आप सरपंच जी से बात करी किसान आंदोलन ने भी लेके, तो ये बता रहे हैं कि ई को फर्क राजस्थान में तो कुछ भारी तो पड़ रहे होगा नहीं, बाकी जो बैठे बैठे है किसान आंदोलन कर रहा है बस सब मोटी पूंजी वाला आदमी है, सब बिजनेसमैन है और बैठा आपको एक राजनीतिक मुद्दों बनाने के लिए भी जगह बैठा है। बाकी सरपंच साहब जाए कि धारा परिवार में भी बच्चा वगैरह है, सब बढ़िया एजुकेटेड है, सब सर्विस में है और थे भी सर्विस में है, तो जय सर्विस में हा अभी के बाद में आज के टाइम लोगों की सोच हुआ है कि राजनीति में तो पैसा कमाने की है, ठीक है, लोग आ रहे हैं राजनीति में गुंडागर्दी करने के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो यह चीज घर तक थे मानो ये चीज ने? देखो, आदमी पर डिपेंड है, आदमी अगर सही है और भी यह सोच ली कि जो मन भगवान दे रहा है कभी कमा मैं संतुष्ट हूँ भी मेरे काम चाल सका है, तो बिना आगे दंड बंद करने की कोई मतलब स्वार्थ करने की लालच करने की जरूरत ही को नहीं। और मैं था ना बताऊ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं तो ये गांव में आया हूँ, जब मैं मतलब पंचायत में हूँ तो मैं तो एक पैसे की भी जिंदगी ने कौन करी, कोई क्या मैं गबन करे, कोई नरेगा में कर जाए, कोई क्या मैं कर जा पाया की बात को नहीं है। और अगर बच्चा है पढ़ रहे हैं मन तो पहले पढ़ तो जद भी मतलब यही सोच तो कि भाई आप ईमानदारी करना है सारों को ने पढ़ाई में भी ईमानदारी बरती, बाद में सर्विस में चले गया भी ईमानदारी बरती, अब बच्चा ही सर्विस लाग गया और मैं सर्विस करके आ गयो, तो भी बच्चा ने भी मैं यही कहूँ कि ईमानदारी रहो, कोई जरूरत नहीं कोई
रिश्वत नहीं, कोई यहाँ की बात नहीं, कोई यहाँ काम नहीं करना, यहाँ काम करियो तो मेरे पूरा कोई को नहीं होगा। मैं मेरी जिंदगी में मतलब फौज में ईमानदारी सर्विस दे के आए हूँ और यहाँ कोई दाग को नहीं, एग्जाम्पलरी मतलब बहुत ही अच्छा बेदाग 31.5 साल सर्विस करके मैं आयड हूँ। तो आन भी यही कहूँ कि भाई यहाँ को नहीं है, क्यों यहाँ की भ्रष्टाचारी बेईमानी क्यों करो? अगर आप ईमानदारी में काम करोगे तो मालिक अपना आप देगो, प्रमोशन होगा, आगे अपना आप सब कुछ बढ़ेगा, थाने जो भी है ओहदा मिलेगा, जो प्रमोशन तरक्की सारी चीज मिलेंगी, तो ये चीज करने की जरूरत ही को नहीं। और हाँ, कुछ लोग हैं बांध के दबाव देखेड़ो को नहीं, या फिर वह जल्दी से यहाँ सोचता हो कि आप जल्दी से करोड़पति बन जाओ, वह कुछ को नहीं, किस्मत भाग्य अगर साथ है वो चाहोगे तो मिलेगा, नहीं तो दीड़ो भी वापिस चल जाए। नहीं सरपंच जी, एक चीज यह भी है कि जय आप बात करा कि जो पहली को टाइम हो और आज को टाइम है, मोदी जी को कहना है कि आज अगर कोई भी विकास कार्य हो रहे हो तो हर चीज ऑनलाइन है और भी अंदर ट्रांसपेरेंसी बन चुकी, तो बड़े तक सफल हुई है। देखो यह बिल्कुल सही बात है, मोदी जी आने के बाद में ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन होगी। अब भ्रष्टाचार का मामला तो बिल्कुल ही मानो कि खत्म है, ऐसे नहीं कर सकता, जो भी चीज है वह सो क्यों ओपन है, सारी अपने सामने है, ऑनलाइन है, तो अब भ्रष्टाचारी बहुत खत्म हुई है। तो मोदी जी की ये बात सही है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। अच्छा, एक सवाल और पूछना है मंथर से, वो अपना आखिरी सवाल रहेगा। अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की हवा भी बहुत तेज से चल रही है, तो की को चेहरो थे देख रहे हो झुंझुनू के अंदर, कौन सो चेहरो देख रहे हो झुंझुनू में? तो खैर अभी पूरी तो पता नहीं लग रही है कि कौन कौन कैंडिडेट है, कहीं के हैं, लेकिन कांग्रेस से तो फाइनल है। हाँ, कांग्रेस से तो विजेंद्र जी है सामने। अच्छा अच्छा, तो देखिए हिसाब से देखोगा इन। देखो अगर विजेंद्र जी है तो अभी कोई सामने को नहीं आते, मतलब विजेंद्र जी है बाकी अच्छी छवि है, अच्छा मतलब नेता है, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ भी कौन करे, बाकी पिताजी शीशराम जी ओड़ा केंद्र में भी मंत्री रिया, राजस्थान में भी मंत्री रिया और बेदाग छवि कहा, वहां हमेशा मतलब लोग बहुत हेल्प भी करी अच्छा। तो मैं यह कह सकू कि विजेंद्र जी मजबूत दावेदार है और वो बन भी सकते हैं एमपी, मतलब वो बन भी सकते हैं एमपी, मतलब आठा आपने इस बार कांग्रेस आ सके है। हाँ बिल्कुल आ सके। तो अगर जय कि आपा कयास लगावा कि जय अर्शिनी है बान अगर टिकट मिल जाए तो? देखो अर्शिनी युवा है, पढ़ी लिखी है, सुशील सुसंस्कृत है और अच्छी है, वर्तमान में जिला प्रमुख है, तो युवा जो क्या करेगा युवा का हाथ में है, जो अगर युवा ज्यादा मतलब ये कर दिया बहुत कुछ कर दिया तो अलग बात है, बाकी जहां तक मेरा विचार है कि पहले से जनता का जुड़ाव, इनसे लगाव, फिर राजनीतिक परिदृश्य जो इनकी बैक साइड है उसी हिसाब से देखें और जो इनका तजुर्बा देखें विजेंद्र जी का, तो ये बहुत सीनियर हैं और हैं, जनता से बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो लोग जो पुराने विचारधारा के हैं या बड़े लोग हैं साथ हैं वो कितना क्या कर पाते हैं वो बात है, बाकी युवा जो ज्यादा है, अगर युवा जो कर दिया तो उसके कि भाई अर्शिनी जी भी निकल सकती। तो सरपंच साहब वो बता रहे हैं कि जो कांग्रेस से अभी विधायक जी है विजेंद्र जी, बी के बाद में अगर अर्शिनी जी ने अगर टिकट मिल जाए है तो एक टक्कर सी हो सके है, बाकी पाड़ो मजबूत जो रहेगा वो विजेंद्र जी को रहेगा। दूसरी चीज सरपंच साहब एक चीज और बताओ, जय अभी अपने सरकार है बीजेपी की, ठीक है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो अब अगर उरे एमपी कांग्रेस से बन सी तो विकास कार्य में कुछ बाधा आसी या फिर विकास कार्य उसी हमारे हिसाब से? देखो एमपी के मामले में कोई खास विशेष फर्क कौन पड़े विकास कार्य में, क्योंकि एमपी को खुद को कोटो है तो वो आपको कोटो पूरे जिला में जठे जठे देना चाहो चाहे कराना चाहो वो करा सके। हाँ एक बात को फर्क है कि भाई डबल इंजन की सरकार जहाँ ऊपर नीचे है तो वो जल्दी हो जाए, भी मतलब थोड़ी सी सुगमता हो जाए, यह बात जरूर है, बाकी कोई कोटा में और विकास में फर्क कौन पड़े अगर मैं चाहूं तो, क्योंकि कोटो तो आप एक पद को है तभी हम क्या दिक्कत आ गुजरा सी भाई, तो मतलब सरकारी जो बनी है उसके एमपी को मिलेगी भाई विपक्ष के एमपी को मिलेगी। अच्छा, तो सरपंच जी जो अपन जनता देख रही है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी जनता है, एक तो बाक लिए साथ ही अपनी पंचायत की जो जनता देख रही है और थारा जो साथी सरपंच देख रहे हैं, बाक लिए कोई थारो एक संदेश? मेरा तो सबके लिए यही संदेश है कि अगर आप राजनीति में हो काम कर रहे हो तो अच्छा करो, किसी का अगर अच्छा नहीं हो सकता बुरा मत करो, और अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा ही उसका परिणाम मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि जहां तक हो सके आप सबका भला करो, भला करो अच्छा होगा, अंत भला तो जग भला।